इस हिसाब से हैवी मेटल्स के ऊपर से गुजरेंगे तो 100% और एक बहुत बड़ा हादसा होगा। अब ये मान के चलना, ये तो एक उन्होंने एक बैच लगा दिया, अभी कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं आई ओवर के ऊपर आपने नीचे तो उतर सारा साफ दिखता है, और ऐसे छोटे छोटे बैच लगा जो सबसे ज़्यादा हैवी व्हीकल हम बस से ही गुजरते हैं। इतना बुरा हालत ठीक है, ये 10 दिन के कह रहे 15 दिन में भी करते हैं, लेकिन वो परमानेंट हाल नहीं है सर, वो 100% एक बड़े हादसे की तरह आता है। मेरा सुझाव यही है कि वो दोबारा से बनाया जाएगा ना, जब ही एक रास्ता बनेगा आप पूछ लें एक बार उनको फिर से बुला लो, 100% अगर वो लिख के दे दें कि अगले 5 साल नहीं पूछेगा तो आप उनको मान लेंगे। आप लिख के दे सकते हो कि अगले 5 साल वो चल जाएगा पूर्ण तरह से, इतने हैवी व्हीकल इधर से गुजरते हैं सारे के सारे जो पहाड़ के व्हीकल हैं उधर से ही गुजरते हैं, आप लिख के दे सकते हो कि अगले ये वाला कौन है जी हमारा ये क्यों, आप जिसको ठीक कर रहे हो आप उसकी बात करो। ये जो मंदिर समस्तपुर चौक से आगे वाला आता है ये वाला है आप रिपेयर कर रहे हो, पिछले 8 महीने से जो रिपेयर आपसे नहीं हुआ वो केवल रिपेयर से बात नहीं बनेगी, वो दोबारा नया बनेगा ना सर, तो बात बनेगी नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होगा। या ऐसे ही उनसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, बोला ना विधायक जी का ये कहना है आपको 5 साल तो कुछ नहीं होगा सर, ऐसा था जी अपने बात कर लेना तो इसका जो ब्लैकिंग का है अगर इसका उत्तर दे मंत्री जी मारी भी सुन लो, हम किसी कारण से बैठे हैं ना तो यो रहना उस दिन जिस दिन टूटेगा नहीं बात सुनो जी, अब इसकी सैंपल क्यों बढ़वाओ ने, क्या गारंटी सही है ये, क्या कैसे गारंटी लेगा अब 3 साल के बाद यो रहेगा। मंत्री जी 5 साल की गए 1 साल तो बंद हो गया, 4 और बंद रख लेंगे होगी इसकी, थोड़ा सा काम है आपके सामने, दो बार तो आपके सामने टाइम दे चुके, बताओ हम बैठे हम तो सुन रहे हैं और ये झूठ बोल बोल के आपके सामने जा रहे हैं, हम किसको कहें और बताओ। नहीं मैं तो फ्रीक्वेंसी मेरी दूसरे में तीसरी तो आए दो बार काम हो गया, आप पिछली बार डीसी साहब बैठे हैं, पिछली बार आपके सामने अरे पिछली बार आया था इतना मिलाया था इसको खोला सर इतना ठीक है, बस बताओ कर लो आप भैया इसके इसके आपके सैंपल चेक कब होंगे अगर नया बनता हूँ तोड़ के बना दो नहीं शुरुआत कर जब बात बने अगला परिवार है।